और ये दो जीवनदान के साथ और ये मानना चाहते थे लेग साइड पर और ये चार रन के लिए बाउंड्री के बाहर चार रन, क्योंकि बहुत ही मिस फील हो रहा है। कभी कभी कीपर छोड़ रहे तो कभी कभी बाउंड्री प्लेयर है वही कैच छोड़ रहे हैं, जो कि अभी तक दो जीवनदान के साथ क्रीज पर खड़े हैं। साबिर भी एक जीवनदान के साथ क्रीज पर खड़े हैं, क्योंकि ये फायदा उठाना चाहिए दोनों बैट्समैन को, जो कि ये बड़ा टारगेट होना, क्योंकि 100 के प्लस तो जाना चाहिए, 110 120 जाना चाहिए। और ये मारने की कोशिश सीधे बोलता कोई रन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक स्लो बॉलिंग करते हुए समझ नहीं पा रहे हैं बैट्समैन कहां मारू कैसे मारू। और ये फलते चलता हवा में ये कैच बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए पार्ले जी छक्का, कैच पकड़िए और पार्ले जी खाइए। दिन मार दे रे मोर चैनल दी बुझी नहीं इंदा कल कहां से इंदा कल एंडल हैंडल लॉक है जी वाले गंदा हो जाएगा ये सवाल के बाद एंडल हैंडल बचे हुए बार सिर्फ दो बार ये बाकी है, क्योंकि ये दसवां ओवर का मैच चल रहा है और ये ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर कुल कौन से आज के पहुंचा 94 रन। लाइव थिला रे ना ये नो नी बैक कर पूरा मुलु गया ये आला को हम और गाना हेलो शुभ जी हेलो यहां भी हेलो लाइक कर दे लाइक कर दे बोलिंग रे धर्मेंद्र इधर ये नहीं लाई धर्मेंद्र धर्मेंद्र जो कि नए गेंदबाज इधर जी और ये स्ट्राइक पर है जो कि 50 लगा चुके हैं ले साकिन जो कि और बाकी दो ओवर बाकी है, कितना रन जोड़ पाता है अपने टीम के लिए दोनों बैट्समैन देखा जाएगा, क्योंकि 30-35 तो होना चाहिए। और ये कहते ही हमारे स्ट्रेन पर मार चुके हैं 6 रन के लिए पल नहीं छका, क्योंकि ये पहला गेंद था और ये 100 रन क्रॉस करते हुए जोरदार पाली हो जाए 120-130 तो होना चाहिए जिस प्रकार बैटिंग कर रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज। और ये मारना चाहते थे लेकिन एक रन से रोक ले पाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा ग्राउंड है उसका फायदा उठाना चाहिए दोनों बैट्समैन को। और जो होगा अगला मैच इसके बाद जो मैच होगा सामने सर वर्सेस अजूबा 11 पदमपुर और ये स्ट्राइक पर है और ये मानना चाहते थे लेकिन एक रन मिलेगा बॉल हवा में ही स्विंग हो गया कीपर नहीं पहुंच पाए और फील्डर भी नहीं पहुंच पाए और एक रन मिलेगा।